सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पिछले वीडियोस के माध्यम से स्टेम और रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो हम शूट और रूट की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने रूट के बारे में स्टडी कर ली थी। स्टेम के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी कंप्लीट कर ली थी। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लीफ की तरफ आते हैं। स्टेम और लीफ मिलकर शूट का निर्माण करते हैं, ये बात पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में होगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो लीफ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये आपका सिलेबस है, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और सेकेंड यूनिट के अंदर जो ग्रीन वाला पार्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज ये लीव्स कंप्लीट होने के पश्चात ये ऊपर की दो और स्टोमेटा वाला पार्ट है वो सारा कंप्लीट है, वो हमारा हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा लीफ के बारे में। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बतलाया था कि पौधे के मुख्य रूप से जो पार्ट होते हैं रूट और शूट, शूट को हमने स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट करते हैं, विभेदित करते हैं। और स्टेम और रूट वाला पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हमारा लीफ के बारे में आज का ये टॉपिक है। ये डायग्राम भी पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। नीचे जो ज़मीन में जो पार्ट जा रहा है वो रूट है, और ऊपर की तरफ जो पार्ट आ रहा है वो शूट है। और शूट के अंदर भी हम लोगों ने, जैसा कि बता रहा हूँ मैं, स्टेम के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज जो ये फैला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है लीफ। तो लीफ के बारे में आज हमारा टॉपिक है, प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो लीफ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से तीन प्रकार की जो लीफ है वो हमारे सामने आती है, और तीनों डायग्राम्स एक साथ में आप लोग देख रहे हो, तीनों डायग्राम एक साथ आप देख रहे हो। पहले वाली लीफ बिल्कुल से फैली हुई है, दूसरे वाली निश्चित रूप से फैली हुई है, लेकिन उसका जो शेप है, किस वे में वो वातावरण में अपने आप को रखती है, ये सबसे बड़ी बात है, वो आपको दिखाई दे रही है। पहले वाली लीफ और दूसरे वाली लीफ में आप फर्क है वो आप देख सकते हो, कि किस तरह से लीफ का जो एंगल है वो किस तरह से अपने आप को रखे हुए है। दोनों में फर्क है वो सामने साफ दिखाई दे रहा है आपको। और तीसरे वाली जो लीफ है वो निश्चित रूप से आपको गोलाकार लीफ है वो दिखाई दे रही है। तो तीनों लीफ की जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो एंगल है, वो आप ध्यान से देखिए। इन्हीं बातों को आगे चलकर हम बात करेंगे। पहले वाली लीफ को हम डोर्सिवेंट्रल के नाम से जानते हैं, दूसरे वाली लीफ को हम आइसोबाइलेट्रल के नाम से जानते हैं, और तीसरे वाली जो लीफ है हमारी उसको हम सेंट्रिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम एक फ़र्क है, वो तीनों में क्या फ़र्क है वो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलकर इन्हीं के बारे में हम डिटेल में जाएंगे। पहले वाली लीफ जिस तरह से वो प्लांट के ऊपर रहती है, ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने का काम करता है, या फेसिंग टू सनलाइट होता है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो अपोजिट साइड में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले पार्ट पे लाइट ज़्यादा गिरती है और लोअर वाले पार्ट पर लाइट है वो कम जाती है। ये सबसे बड़ा फर्क है वो यहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद में आगे चलिए, दूसरे वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो ये है आपका मोनोकोट प्लांट। पहले वाले जो डायग्राम था वो है डाइकोट, और ये है आपका मोनोकोट। मोनोकोट में आप क्या देख रहे हो, जो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, लीफ इस तरह से है प्लांट के ऊपर कि अपर और लोअर जो साइड है वहाँ पर बराबर मात्रा में आकर लाइफ आगे गिरती है। ये सबसे बड़ी बात है वो हम लोगों को इसके अंदर दिखलाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट बराबर गिरने के कारण से
अपर और लोअर स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है वो हमें दिखाई नहीं देगा। ये बात है, वो आगे चलकर हम लोग फिर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरे वाले जो लीफ है उसको हम सेंट्रिक के नाम से जानते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें लीफ है वो इस तरह से गोलाकार होती है, जैसे कि प्याज की पत्ती, बहुत अच्छी तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको, वो पत्ती है वो गोलाकार होती है, और गोलाकार होने के कारण से उसकी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव है ये हमें देखना पड़ेगा। पूरे तरफ सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो इक्वल क्वांटिटी में है, निश्चित रूप से जो पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये अंदर से खोखली है, वहाँ पर लाइट है वो नहीं जा पाता है, तो इस तरह से क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा ये बात है वो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। लीफ है उसको हम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, भोजन बनाने का काम करती है, इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और फूड का निर्माण करती है। फूड का मतलब ये हुआ एनर्जी, एनर्जी के बिना कुछ भी काम नहीं हो पाता है, भले ही वो हमारे सेंस में हो और भले ही वो प्लांट के सेंस में हो। प्लांट सूर्य से आने वाली एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है और उस एनर्जी से वो अपना काम भी चलाता है और पूरे मानव जाति और जो भी प्राणी है उनका पेट भरने का काम करता है, इसलिए उसी एनर्जी के ऊपर हम लोग है वो डिपेंडेंट है। लीफ चूंकि ग्रीन होती है वो फ्लैट भी हो सकती है, निश्चित रूप से प्लांट का वो फ्लैट लेटरल आउटग्रोथ के रूप में है, अलग अलग उनकी शेप होती है, साइज होता है, कलर भी हो सकता है, और जैसा कि कहा कि डोर्सोवेंट्रल है, आइसोबाइलेटरल है और सेंट्रिक है, लेकिन मुख्य जो बात है कि जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है वो पाया जाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, पत्ती का जो फैला हुआ पार्ट है और जिसके सहारे वो स्टेम के लगी हुई है उसके आधार पे हम लीफ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फैला हुआ पार्ट होता है उसको हम लीफ ब्लेड और उसको हम लेमिना के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, मध्य रेखा होती है, साइड के अंदर वेंस होती है, स्टेम से जो पानी है वो पीटियोल के माध्यम से होता हुआ इस लीफ के अंदर आता है और मध्य रेखा से पूरे प्लांट जो साइड में वेंस है उसके द्वारा वो पूरे लीफ में फैला दिया जाता है। जिसके सहारे वो स्टेम के लगी हुई होती है उसको हम पीटियोल के नाम से जानते हैं, प्रणव्रंथ के नाम से जानते हैं, जो कि स्टॉक नुमा स्ट्रक्चर होती है और वो स्टेम से जोड़ने का काम है वो करता है। स्टेम से जो पानी आ रहा है वो इसी पीटियोल के माध्यम से लीफ के अंदर जाता है, लीफ की मध्य रेखा में पहले जाता है और उसके बाद में साइड के अंदर जाता है। पीटियोल और स्टेम के बीच में एक स्ट्रक्चर भी पाई जा सकती है, कांटेनुमा भी हो सकती है और कलिनिका नुमा भी हो सकती है, जिसको कि हम स्टिप्यूल के नाम से जानते हैं, और जिनमें स्टिप्यूल नहीं होता है उनको एक्सस्टिप्यूलेट और जिसमें होता है उनमें हम स्टिप्यूलेट के नाम से जानते हैं। स्टिप्यूल की जो पोजिशन है उसके आधार पर हम उसको इंट्रापीटियोलर और इंटरपीट्यूलर स्टिप्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें टेक्सोनोमी के अंदर पढ़ने को डिटेल में मिलेगा। एनाटॉमी की स्ट्रक्चर के आधार पर लीफ को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, नंबर वन डोर्सोवेंट्रल, नंबर टू आइसोबाइलेटरल, नंबर तीन सेंट्रिक। जैसा कि मैं शुरू में बता के आ रहा हूँ आपको, तीन प्रकार की लीफ है वो हमें देखने को मिलती है। नंबर वन ये डाइकोट प्लांट्स में मिलती है, नंबर टू ये मोनोकोट प्लांट्स में मिलती है, और नंबर तीन ये जिनमें गोलाकार पत्तियाँ होती है उनमें मिलती है, जैसा कि मैंने प्याज का एग्जाम्पल, ओनियन का एग्जाम्पल है वो आपको दिया है। तो इस तरह से ये तीन टाइप की लीफ है वो हमें देखने को मिलती है और वन बाय वन करके हम इनकी स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पार्ट आ रहा है आपका डोर्सोवेंट्रल के बारे में। यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड। डोर्सल का मतलब होता है अपर साइड और वेंट्रल का मतलब होता है लोअर साइड। जैसा कि मैंने कहा कि ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर होता है और डाइकोट प्लांट का मतलब ये हुआ कि लीफ जिस तरह से वातावरण में रहती है उसका अपर साइड वाला जो साइड है, पोर्शन है, वो सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट उसकी तरफ है और नीचे वाला पार्ट है वो अपोजिट साइड में है, इसलिए अपर साइड की स्ट्रक्चर अलग होगी और लोअर साइड की स्ट्रक्चर है वो अलग होगी, और उसी के आधार पे उसको जो नाम दिया गया है वो डोर्सोवेंट्रल का नाम दिया गया है। अगर हम एक लीफ की स्ट्रक्चर देखना चाहें जो टिपिकल डोर्सोवेंट्रल है तो इस तरह से हम देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर मालूम चल रहा है।
अपर सरफेस डायरेक्ट सनलाइट के फेस में आ रही, सामने आ रही है, और नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड में है, इसलिए अपर साइड की स्ट्रक्चर है वो अलग होगी और लोअर साइड की जो स्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से अलग होगी। ये था आपका मॉर्फोलॉजिकल वे में। अगर हम इनका सेक्शन कटिंग करके देखें एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो इस तरह से दिखाई देगी। एक टिपिकल लीफ की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए वो आप देख रहे हो। इसके अंदर देखिए, ऊपर आपको ग्रीन कलर में एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, उसके ऊपर क्यूटिकल है रेड कलर की, और उसके नीचे जब आप जाओगे पीले रंग की लंबी लंबी इलोंगेटेड जो सेल्स दिखाई दे रही है, ये पेलिसेड पेरेन्काइमा है जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और उसके नीचे लोअर साइड की तरफ आपको ब्लू कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही है, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो बड़े बड़े हैं, इनको हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड होती है, अपर की तरफ पेलिशेड और नीचे की तरफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जब हम मोनोकोट की बात करेंगे वहाँ पर यह डिफरेंस हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, यही सबसे बड़ा फर्क है। तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर मेसोफिल की जो कोशिकाएं हैं वो पेलिशेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड होती है। एक बात और आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, इस पर्टिकुलर लीफ के अपर साइड में स्टोमेटा नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन लोअर साइड में स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एक अडेप्टेशन होता है प्लांट का, क्योंकि अपर साइड में होने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा लाइट मिलना, ज़्यादा लाइट मिलने का मतलब ज़्यादा देर तक या ज़्यादा खुलना और ज़्यादा पानी बाहर निकलना। इसलिए डाइकोट प्लांट्स में अमूमन साधारणतः जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर साइड में होते हैं, ताकि कम लाइट मिले, कम पानी बाहर निकले। और इसी डायग्राम को एक प्लांट के सेंस में नीचे और डायग्राम के रूप में आपको दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो पेलिसेड भी देख सकते हो, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा भी देख सकते हो, और बीच में जो वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, चारों तरफ बंडल सीथ है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम की जो पोजिशन है यहाँ पर अलग है। रूट और स्टेम में, पर्टिकुलरली स्टेम के सेंस में हम लोगों ने देखा था कि वेस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ फ्लोएम होता है और नीचे की तरफ जाइलम होता है, यहाँ पर उल्टा है। जो वेस्कुलर बंडल है इसमें ऊपर की तरफ जाइलम है और नीचे की तरफ फ्लोएम है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। और दूसरा फर्क ये है कि जो जाइलम है इसमें मेटाजाइलम नीचे की तरफ जा रहा है और प्रोटोजाइलम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाली बात भी ध्यान रखने की है। और दूसरी बात, यहाँ पर कैम्बियम की कोई लेयर है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो मेन बात क्या हुई, जाइलम और फ्लोएम की पोजिशन में फर्क है। चारों तरफ बंडल सीथ हमें दिखाई दे रही है, और मध्य रेखा वाला जो बंडल होगा वो निश्चित रूप से साइड में बड़ा होगा, और साइड में जो वेंस निकल के जाती है उनके अंदर भी वेस्कुलर बंडल होते हैं, जिनको हम लेटरल वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं। इस तरह से पानी को सहन करने का काम है वो ये करते हैं। अगर हम डिटेल में जाएँ तो निश्चित रूप से जो अभी हमने बात की थी एपिडर्मिस है वो एक लेयर वाली होती है, थिक क्यूटिकल होती है, उसकी कोशिकाओं की आकृति बैरल शेप्ड होती है। क्यूटिकल है वो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। स्टोमेटा है, जैसा मैंने कहा कि वो लोअर साइड में पाए जाते हैं, अपने आप को पानी को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपायरेशन को चेक करने के लिए। दूसरा पार्ट है आपका मेसोफिल की कोशिकाएं। मेसोफिल को दो भागों में करते हैं, पेलिशेड और स्पॉन्जी। पेलिशेड है वो ऊपर की तरफ है, इलोंगेटेड सेल्स होती है। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वो नीचे की तरफ होती है, और जो पेलिसेड है वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, क्लोरोफिल के द्वारा भरी हुई होती है, और बीच में स्पेस भी पाया जा सकता है क्योंकि एयर के लिए। और उसके बाद में अगर हम चले नीचे की तरफ तो वहाँ पर हमें स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वो दिखाई देती है, और इस बंडल और जो बंडल सीत है वहाँ तक ये कोशिका, जैसे वेस्कुलर बंडल की बात अभी हम लोगों ने की थी, तो वहाँ तक ये सेल फैली हुई होती है। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन निकल कर हमारा ये है कि मेसोफिल की जो कोशिकाएं हैं वो दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड होती है, ऊपर की तरफ है वो पेलिसेड है और नीचे की तरफ है वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पाई जाती है। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में स्पेस है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, काफ़ी एयर भरी हुई होती है, जो कि ओब्वियसली रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। और
क्लोरोप्लास्ट है वो इन कोशिकाओं के बीच में भरा हुआ होता है, जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो करता है। उसके बाद में हम आते हैं वैस्कुलर बंडल की तरफ। वैस्कुलर बंडल जो बीच में होता है वो बड़ा है, साइड में छोटे होते हैं। वैस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं। कोलेट्रल है, एक तरफ जाइलम है एक तरफ फ्लोएम है, और बंद होने का मतलब ये हुआ कि उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। और बंडल के चारों तरफ बंडल सीथ पाई जाती है, जो कि पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, और ऊपर की तरफ एपिडर्मिस तक भी एक्सटेंड कर जाती है पेरेन्काइमा के सेल्स के द्वारा, और नीचे भी इस तरह से कर जाती है ताकि उसको सपोर्ट है वो मिलता रहे। जाइलम ऊपर की तरफ होता है, जिसमें वेसल्स है, पेरेन्काइमा है, प्रोटोजाइलम वो ऊपर की तरफ है, मेटाजाइलम नीचे की तरफ है, और जैसा मैंने कहा फ्लोएम जो है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की एपिडर्मिस की तरफ होता है। उसमें भी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और पेरेन्काइमा है वो ये सब पाई जाती है। तो इस तरह से एक डाइकोट स्टेम या डोर्सिव वेंट्रल लीफ की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को दिखाई देती है। और निश्चित रूप से ये वो पार्ट है जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो स्ट्रक्चर है वो निर्धारित हुई है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आते हैं मोनोकोट प्लांट की तरफ। मोनोकोट प्लांट के अंदर जो लीफ पाई जाती है उसको हम आइसो बाइलेट्रल के नाम से जानते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, बाई का मतलब होता है बोथ, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, दोनों साइड की जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसी है, ये इसका मतलब है। और जैसा मैंने अभी आपको बतलाया था शुरू में, उसी डायग्राम को अब मैं वापस आपको दिखला रहा हूँ। ये है मोनोकोट प्लांट, मक्का का प्लांट है, बाजरे का हो सकता है, राइस का हो सकता है, जो का हो सकता है, किसी भी जो मोनोकोट प्लांट है, ग्रासेस हो सकती है। देखिए लीफ की पोजिशन, देखिए प्लांट के ऊपर किस तरह से है, और पोजिशन इस तरह से होने के कारण से, खड़ी अवस्था में होने के कारण से सूर्य का प्रकाश है वो दोनों सतह पर समान रूप से आता है, और समान रूप से आने के कारण से दोनों की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मीजोफिल की कोशिकाएं हैं वो एक जैसी ही रहेगी, पहली शेड और स्पंजी में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी। ये एक टिपिकल मोनोकोट लीफ का डायग्राम, एक ग्रास की पत्ती का डायग्राम है वो कहा जा सकता है, आपके सामने है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, जो ग्रीन कलर वाली कोशिकाएं हैं वो मीजोफिल की कोशिकाएं हैं, सारी की सारी एक जैसी है, जिनमें क्लोरोफिल होता है और ये भोजन बनाने का काम करता है। मध्य रेखा वाला बंडल है वो निश्चित रूप से बड़ा है, आप देख सकते हो इसके चारों तरफ भी बंडल सीथ पाई जा रही है, आवरण पाया जा रहा है। बीच में जो जाइलम है वो ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है, और जाइलम के अंदर भी जो छोटा वाला जाइलम है वो ऊपर की तरफ है, प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ, मेटाजाइलम नीचे की तरफ, और साइड वाले जो बंडल्स हैं वो साइज के अंदर छोटे दिखाई दे रहे हैं। बहुत क्लियर है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से, पहले हमने डाइकोट लीफ को देखा था, यहाँ पर हम मोनोकोट लीफ को देख रहे हैं। और ऊपर एक बात और आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है उसमें कुछ कोशिकाएँ काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, इनको हम बुली फॉर्म सेल्स के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में आगे फिर से हम बात करेंगे, जो लीफ को मुड़ने में और वापस खुलने में हेल्प करता है। सेंटर के अंदर जो बंडल पाया जा रहा है मिडरिब वाला, उसके ऊपर की तरफ स्क्लेरेन्काइमा है और नीचे की तरफ स्क्लेरेन्काइमा है, जो बंडल को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। इन्हीं को पॉइंट्स को हम वापस यहाँ पर देख सकते हैं। एपिडर्मिस है निश्चित रूप से, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है, कोशिकाएं हैं वो ओवल शेप्ड में हैं, ऊपर की तरफ जो बड़ी वाली कोशिकाएं हैं उनको बुली फॉर्म सेल्स कहते हैं, जो लीफ को मुड़ने में और वापस खुलने में हेल्प करती है। स्टोमेटा है वो दोनों सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए एम्फ स्टोमेटिक टाइप हुआ, और जो थिक क्यूटिकल है वो दोनों दीवारों पे आउटर वॉल्स के ऊपर है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया होनी चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं मीजोफिल, जो क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं हैं, जो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, पहली शेड और स्पंजी में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, सारी की सारी कोशिकाएं हैं वो एक जैसी है, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो भोजन बनाने में हेल्प करता है। बीच बीच में काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो पाए जा सकते हैं, और सब स्टोमेटल चैम्बर्स भी
स्टोमेटा के नीचे है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को दिखाई देती है। उसके बाद में हम चलते हैं वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर। वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत सारे बंडल्स पाए जाते हैं एक पैरेलल सीरीज के अंदर। बीच वाला बंडल है वो बड़ा है, साइज वाले बंडल है वो छोटे हैं, लेकिन सारे के सारे जो बंडल है वो कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल और क्लोज्ड है। कहने का मतलब जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं। ऊपर की तरफ जाइलम है और नीचे की तरफ फ्लोएम है, कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इसलिए हम क्लोज्ड के नाम से जानते हैं। और बंडल, प्रत्येक बंडल एक डबल लेयर्ड बंडल सीथ के द्वारा घिरा हुआ होता है, ये जिसको हम बंडल सीथ के नाम से जानते हैं। और इस बंडल सीथ की अगर हम बात करें तो जो आउटर वॉल है बंडल सीथ की वो थिन वॉल्ड है, और जबकि जो नीचे वाली सो है वो थिक वॉल्ड होती है। जैसे मैंने कहा, निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने का काम है वो करती है। और जो वेस्कुलर बंडल है उसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो भी पाई जाती है। तो और जो साइड वाले बंडल है उनके ऊपर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है वो नहीं पाई जाती है। निश्चित रूप से जो मिडरी वाला बंडल है उसको काफ़ी मजबूती प्रदान करने का काम करेगी। और जाइलम है वो ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है। जाइलम के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, वेसल्स भी होती है, ट्रेकिड्स भी होता है, और समटाइम्स है वो पेरेन्काइमा भी पाई जाती है। और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं वो सामान्यतः पाई जाती है। तो ये बात हो गई आपकी मोनोकोटलिफ यानी आइसोबाइलेटरल की। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम दोनों को बढ़ाने से पहले दोनों में कंपेयर करके हम देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है वो पाया जाता है। डाइकोट और मोनोकोट में अगर हम डिफ्रेंस करें तो डाइकोट के अंदर जो स्टोमेटा है वो सामान्यतः लोअर सरफेस पे पाया जाता है, जिसको हम हाइपोस्टोमेटिक टाइप कहेंगे। और मोनोकोट में दोनों तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम एम्फिस्टोमेटिक कहेंगे। दूसरे में डाइकोट के अंदर गार्ड सेल से वो किडनी शेप्ड होती है, तो यहाँ पर ये डंबल शेप्ड है मोनोकोट के अंदर। उसके बाद में हम चलते हैं, डाइकोट में बुलीफॉर्म सेल्स नहीं पाई जाती है, मोनोकोट में बुलीफॉर्म सेल्स पाई जाती है। डाइकोट में मेसोफिल सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड होती है पैलिस्टाइड और स्पॉन्जी में, मोनोकोट में नहीं होता है, सारी की सारी कोशिकाएँ हैं वो एक जैसी होती है। डाइकोट के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेज है वो काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और मोनोकोट के अंदर इंटरसेलुलर है वो कम और छोटे होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमें यहाँ पर मालूम चलनी चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे पर टाइप की लीफ को, जिसको कि हम सेंट्रिक लीफ के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो लीफ गोलाकार होती है, जैसे कि लहसुन की होती है, प्याज की होती है, और भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें गोलाकार पत्ती पाई जाती है, उसको हम सेंट्रिक के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है, ये डायग्राम फिर से देखिए। प्याज से निकलती हुई उसकी लीफ, नीचे आप प्याज को देख सकते हो, उसमें ऊपर की तरफ गोलाकार लीफ है वो आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। गोलाकार होने के कारण से इसका नाम है वो सेंट्रिक है। ये इसकी सेक्शन कटिंग करने के पश्चात गोलाकार, ऊपर से आप देख रहे हो गोला बन रहा है, और उसको अगर मैग्नीफाई करके हम देखें कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई देगी, तो आप देखिए नीचे जो आप देख रहे हो उसकी स्ट्रक्चर है, अंदर से ये खोखला होता है, होलो होता है। और अगर हम इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके जो नीचे से आप जैसे देख रहे हो बाहर की तरफ, इसमें भी एपिडर्मिस पाई जाती है, और मेसोफिल वाली कोशिकाएं हैं यहाँ पर दो भागों में डिफरेंशिएटेड होती है। सबसे बाहर की तरफ मेसोफिल है, पैलिस्टाइड है, और अंदर की तरफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वो पाई जाती है। काफ़ी सारे बंडल्स हैं, बड़े साइज के हैं, और बीच बीच में छोटे बंडल्स भी इसके अंदर है वो पाए जाते हैं। डिटेल में स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ है वो एपिडर्मिस पाई जा रही है, और उसके बाद में एक लेयर है, उसके बाद में मेसोफिल की कोशिकाएं हैं वो पाई जा रही है, जो कि मेसोफिल को कवर करने का काम करती है। स्टोमेटा है वो पूरे सरफेस पर पाए जा रहे हैं। मेसोफिल सेल्स है वो पैलिस्टाइड और स्पंज पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड होती है, और पैलिस्टाइड है वो पूरे में पाई जा रही है निश्चित रूप से। और एक प्लांट का एग्जाम्पल और यहाँ पर दिया गया है, हेकिया नामक पौधे के अंदर भी इस प्रकार की लीफ है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। उसके बाद में हम चलते हैं और आगे की तरफ, और जो वेस्कुलर बंडल है वो निश्चित रूप से लाइन और रिंग, एक रिंग अगर मैं ये कहूँ कि रिंग में होते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लीफ की जो शेप है वो करीब करीब गोलाकार है, जैसे कि प्याज और हेकिया।
जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर भी बंडल शीत के द्वारा घिरे हुए हैं जो कि सिंगल लेड है और ये स्क्लेरेन्काइमा की बने हुए बंडल शीत है वो होती है और इसको भी मजबूती प्रदान करने का काम है वो होता है। मीजोफिल की जो कोशिकाएं हैं वो पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड होती है। पेलिसेड है वो इलोंगेटेड है और ऊपर की तरफ है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा नीचे होलो जो पार्ट है खोखला पार्ट है उसकी तरफ है जो आइसो डायमेट्रिक या गोलाकार होती है और दोनों के बीच में इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं वो हम लोगों को दिखाई देते हैं, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आगे चलते हैं वेस्कुलर बंडल की तरफ। वेस्कुलर बंडल है वो डिफरेंट अलग अलग साइज के होते हैं और एक गोलाकार या सिचुएशन में ही पाए जाते हैं जैसे कि डाइकोटियल लीफ के अंदर है उस तरह से डिफरेंट साइज है के ऊपर। और मुख्य रूप से जो बात हमने यहाँ पर करनी है कि एक सिंगल लेड है वो पेरेन्काइमा है उनकी चारों तरफ होती है। चूंकि लीफ बहुत ही कोमल होती है और कोमल होने के कारण से जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो निश्चित रूप से अपना बचाव करना चाहेंगे इसलिए उनके चारों तरफ यहाँ भी बंडल शीत है वो पाई जाती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लीफ काम क्या करती है। शुरू में हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली थी, उसी पॉइंट को वापस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि लीफ वो प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो भोजन बनाने का काम करता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है वो इसी के में आके स्टोर होती है और फिर फ्लोएम के द्वारा वो पूरे प्लांट में पहुंचा दिया जाता है और इसी भोजन के ऊपर हमारी पूरा मानव जाति या सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी भोजन के ऊपर या एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लास्ट स्लाइड के अंदर आप फिर से तीनों डायग्राम साथ में देख सकते हो। पहले वाला डाइकोट प्लांट का है जिसमें आप मीजोफिल को पेलिसेड और स्पॉन्जी में देख सकते हो। दूसरे वाला डायग्राम मोनोकोट प्लांट का है जिसमें सारी कोशिकाएं एक जैसी दिखाई दे रही है मीजोफिल। और तीसरे वाले जो राउंड लीफ है जिसको कि हम सेंट्रिक लीफ के नाम से जानते हैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर है वो दिखाई दे रहा है। तो तीनों का डिफरेंस एक साथ में भी आप देख सकते हो। ये वो किताबें हैं जिनसे हमने इस टॉपिक को तैयार करने में हेल्प ली है, तो ये रेफरेंस बुक के तौर पर आप इनको देख सकते हो। तो ये था हमारा जो टॉपिक है वो लीफ के बारे में था, एंजियोस्पर्म की लीफ के बारे में था क्योंकि सेकंड ईयर में हम लोगों को केवल एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। वीडियो को देखने के पश्चात मनन कीजिए, आंकलन कीजिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सारे स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार हम लोग आपसे निवेदन करते हैं उसके बावजूद भी आप वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने का नुकसान कुछ भी नहीं है, बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं क्योंकि जो भी वीडियो हम लोग को आपको डालेंगे वो सीधे आप तक पहुंच पा जाएंगे, कोई खर्चा नहीं लगेगा आपका। आप चिंता मत कीजिए कि सब्सक्राइब करते ही हमारा पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भ्रांति आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये हमारा लीफ वाला पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।